कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का 100 और 1 आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है, और साथ ही AI पेपर हमने पहले भी डाल दिया है लेकिन हमने सोल्यूशन नहीं कराया था। इस वीडियो में हम आपका यहाँ पूरा सोल्यूशन कराने वाले, इस पेपर का पूरा आपका 100 और 1 आपका रियल पेपर है, और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको रट लेना क्योंकि बिल्कुल आपको पेपर में सेम टू सेम यही पेपर मिलने वाला है। तो जो आपका पेपर है वो आपका हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हमने सोल्यूशन नहीं कराया था, इस वीडियो में आपका पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको सभी विषय के बिल्कुल असली पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप यहाँ पर डेली सेक्शन ही आता है रीडिंग, तो चलिए जो आपका यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं और सोल्यूशन कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर आता है जिसमें आपका आता है पैसेज, तो आप यहाँ द इंडियन स्पेस रिसर्च, ठीक है, इस पर आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो इसी क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं, ठीक है। पहला आता है व्हाट इज द रिसेंट सक्सेस अचीव बाय इसरो मेंशन इन द पैसेज, यानी पैसेज में इसरो की सफलता को क्या मैसेज, यहाँ पर जो आपकी इसरो की सफलता हुई है तो यहाँ पर पैसेज में क्या मेंशन किया गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था वेयर इज द मास्टर कंट्रोल रूम लोकेट फॉर इसरो स्पेस मिशन, फिर आपका तीसरा था विच कंट्री लूनर मिशन फेस्ड, आप यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जस्ट बिफोर इस इंटेंडेड लूनर लैंडिंग, तो जो यहाँ पर लूनर लैंडिंग है वो किस देश ने करवाई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं चाइना ने, इंडिया ने, रशिया ने, फ्रांस ने, ये आपको बताना, ठीक है। ये बिल्कुल अभी के आपके यहाँ पर जो अभी यहाँ पर जो आपका हुआ है, ठीक है, वही आपका यहाँ पर पैसेज आया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है व्हाट इज द नेक्स्ट प्लानेट मिशन मेंशन इन द पैसेज आफ्टर चंद्रयान 3 एंड आदित्य, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आंसर आपको सभी कराए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। पेपर देने से पहले आपका पूरा सोल्यूशन करा दिया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। व्हाट डिड विक्रम साराभाई इन्वेंशन फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनसम ऑफ फ्लावर्स, इन सभी के आंसर आपको पैसेज मिल जाएंगी, सिर्फ आपको पैसेज को पूरा ध्यान से पढ़ना बहुत सलाह रहता है, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। दसवां देख लीजिए, हाउ डज इसरो अफेक्ट द एवरेज पर्सन लाइफ इन इंडिया, फिर आपका क्वेश्चन टू आता है जिसमें आपके यहाँ पर आती समरी लिखना आपको और नोट्स बनाना, सॉरी आपको यहाँ पर टाइटल और आपको यहाँ पर नोट्स लिखना, आप यहाँ पर देख लीजिए जिसमें आपका दिए द मोस्ट अलार्मिंग ऑफ मैन, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपको नोट्स और टाइटल लिखना है, ठीक है। नोट्स और टाइटल किस तरह लिखना, पहले तो आपको एक हेडिंग ले लेनी है, फिर उसके अंदर आपको यहाँ पर 2 पॉइंट लिख देने, ठीक है, सॉरी 3 पॉइंट, फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, और तीसरी हेडिंग बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पर पैसेज में बार बार देखने मिले, वही जो भी शब्द आपको यहाँ पर पैसेज में बार बार देखने मिले वही उसका टाइटल रहता है। फिर आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग, तो जो आपका पहला पैसेज था, ठीक है, पहला पैसेज था जो आपका पहला पैसेज था उसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। जो सेक्शन भी है राइटिंग, यहाँ से आपका जो सोल्यूशन वो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन तीसरा आता है जिसमें आपका यहाँ पर अथवा आता है, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर ब्लड डोनेशन पर आपको बनाना है यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर, तो जो आपका यहाँ पर ब्लड डोनेशन पर आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, यानी जो क्वेश्चन तीसरी का अथवा है, तो क्वेश्चन तीसरी का अथवा का सोल्यूशन हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ब्लड डोनेशन का पोस्टर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है, तो क्वेश्चन चौथा देख लीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन चौथा, इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ऊपर का अनीता पटेल रेसिडिंग एट 254, इसका भी सॉल्यूशन है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन पाँचवा, जिसमें आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना, ठीक है, आर्टिकल लिखना आपको यहाँ पर पावर ऑफ प्रेस डेमोक्रेसी और द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, तो जो आपका यहाँ पर दिया है द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख लीजिए, हम आपको आर्टिकल दिखा रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पर, ठीक है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। अब सेक्शन सी जो आपकी आती है, इसको ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आपकी पूरी यहाँ पर सभी आंसर कराए जाएंगे। जो आपका पहला पैसेज था वो भी आपका कराए, हम आंसर करा देंगे पहले पैसेज का भी जो छोड़ दिया हमने। पहला आता है ही इज MBA, तो इसमें आपका आ जाएगा N, ठीक है, पहले में आपका N आ जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले में N आ जाएगा। फिर दूसरा आता है द मैन नोट द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग डीप, तो इसमें आपका यहाँ पर रहने वाला दूसरे में, ठीक है, हुज WHOSE, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा दूसरे में, आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो दूसरे में आपका हुज आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आता है सी ऑप्टेन डॉट डॉट अस इन द इवनिंग, तो इसमें आपका आ जाएगा विजिट्स, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर विजिट्स आ जाएगा।
और फिर आपका आता है सी बाज बोन एंड ब्रॉट अप ठीक है अम्बाला, तो आपका यहाँ पर इसमें आ जाएगा चौथे में, सॉरी हाँ चौथे में आपका आ जाएगा इन, जो आपका इन दिया इन आ जाएगा आपका चौथे में। और फिर आपका आता पाँचवा द बेहतर बाज ओल्ड बट देयर बाज डॉट डॉट बिंड, तो आपका यहाँ पर पाँच में आ जाएगा नो, ठीक है नो आ जाएगा आपका पाँचवें में। और छः में आता ही डॉट डॉट बाल्क फास्ट बहन ही बाज यंग, तो इसमें आपका आ जाएगा कुड, ठीक है इस तरह से आपके हो जाते हैं। पहले में आपका हम फिर से बता देते हैं, पहले में आपका रहेगा एन, ठीक है फिर दूसरे में आपका हुज, और तीसरे में आपका विजिट, और चौथे में आपका यहाँ पर रहेगा इन, और ठीक है पाँचवें में आपका यहाँ पर रहने वाला नो, और छठवें में आपका कोड रहेगा। इस तरह से आपके हो जाते हैं फरिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड आते हैं, तो पहला आपका आता है ही बाज ही इज ऑलवेज हैप्पी, फिर दूसरा आपका आता है तीसरा, ठीक है तो जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड पहले का आंसर आपका रहेगा ही इज नेवर सैड, ठीक है पहले का आंसर आपका रहेगा ही इज नेवर सैड, आपको यहाँ पर लिख देना ही इज नेवर सैड, नहीं तो इस जो आपका यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है आपको हम लिख के नहीं दिखा रहे हैं, सीधा आपको यहाँ पर आपको इस स्क्रीन में फोटो दिख रही होगी, तो ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्ट का सॉल्यूशन है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड हैं आपको पाँच करने हैं, और आपके यहाँ पर छः दिए हैं, ठीक है चौथा और पाँचवा छठवां, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आप स्क्रीन में देख लीजिए, आपको स्क्रीन में सॉल्यूशन दिख रहा होगा। अब चलिए सेक्शन डी आती है टेस्ट बुक, तो टेस्ट बुक को कम्प्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपको पढ़ लेना है, पहले पहला क्वेश्चन आता है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए, ठीक है आपका यहाँ पर कुशवंत सिंह आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा था हु इज बीन रेफर्ड अस सी अबव एक्सट्रैक्ट, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर, ठीक है आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का, तो रट लीजिए वो कोई यही पेपर आने वाला। तीसरा बिच बर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन पिक्चर ऑफ फेस, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला क्या, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ठीक है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट आपका यानी आपका तीसरे का सी करेक्ट आंसर रहेगा पोर्ट्रेट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर चौथा, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन दिस पोर्ट्रेट, तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, चौथे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर ठीक है 100 ईयर आपका यहाँ पर चौथे का आपका एक रेट आंसर रहेगा, ठीक है चौथे का आपका एक रेट आंसर रहेगा। पाँचवा था बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑर्नामेंट्स, आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है पाँचवीं का। अब चलिए आपके यहाँ पर नौवीं का ये आता है, तो नौवीं का ए कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, पूरा आपको पेपर यहाँ पर याद कर लेना, यही पेपर आने वाला पहले का आपका अंडरस्टैंडिंग करेक्ट आंसर रहेगा, फिर दूसरा था व्हाट काइंड आ रिलेशनशिप द फादर एंड द सॉन हैव, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा ठीक है। फिर आपका आता दिस लाइन शो, तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी जीप, ठीक है आपका यहाँ पर तीसरे का सीक्रेट आंसर रहेगा जीप। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नौ में कभी, आपको यहाँ पर इसको पढ़ लेना, आप पढ़ सकते हैं ठीक है। नौ में कभी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो नौवीं का आपका बी है, तो वो आपका हम यहाँ पर बता देते हैं नौवीं का बी आपका रहने वाला है ये आता आपका यहाँ पर आते हुए द न्यू बोर्न चाइल्ड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लगेगा यहाँ पर हेल्थी ठीक है। फिर द डेमाना डॉक्टर एंड्रयू कन्फर्म्ड बाज, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला क्या, इसका आंसर रहेगा टू सेव मदर, सॉरी आपका यहाँ पर टू सेव चाइल्ड और मदर। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा इन द डेमाना इनफेस्टेड बाज डिड एंड्रयू टू, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा ठीक है, और इसका आंसर आपका यहाँ पर चौथे का रहेगा बी, तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। अब आपका दसवां क्वेश्चन आता है ग्यारहवां क्वेश्चन और बारहवां क्वेश्चन तेरहवां, ठीक है जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन है, तो इनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर जो पीडीएफ है जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है। आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ठीक है फुल सॉल्यूशन साथ, टेक केयर बाय बाय।